हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे NTA/CUET के 23 अगस्त 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, और ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 सॉल्व किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्विटोरियल इक्विटोरियल लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत पास पास रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसके ये वाला पॉइंट जो एक्सिस के लॉन्ग होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और जो इसके एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे उस लाइन को हम बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP/R², या फिर आप इसको K को 1/4 πε₀ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली आप इन दोनों के पोटेंशियल को ऐड करोगे ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस भी दोनों का इक्वल ही होगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ओ ए और ओ बी भी इक्वल होगा, तो जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल इक्विटोरियल पॉइंट पर आ जाता है 0। इन जनरल अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ किसी थीटा एंगल पर, तो वो फॉर्मूला रहेगा 1/4 πε₀ पी कोस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो अगर आप कोस 0 डिग्री रख रहे हो, तो वो एक्सियल पॉइंट पर आपको मिलेगा KP/R², और अगर आप कोस थीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री रख रहे हो एक्सियल पर पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट पर, यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट पर, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उससे पोटेंशियल आ जाएगा 0। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर होता है 2 KP/R³, और इक्विटोरियल पॉइंट पर यह होता है KP/R³। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है R² पर इन्वर्सली, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की इन्वर्सली डिपेंड करती है आर की क्यूब पर। ये डायपोल की बात है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 πε₀ R² तो R², और पोटेंशियल 1/R सिंगल डायपोल सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। डायपोल के लिए इस तरह से रहेगा, ये डायपोल का है डिपेंडेंस। एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है ना कि डिपेंड कैसे करते हैं सिर्फ, तो ये डायपोल की डिपेंडेंस है और ये पॉइंट चार्ज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम दो प्लेट एज्यूम करते हैं, और लेट उनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और एरिया ए है। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है εoA/D। बट फिलहाल हमें बताना है कि मान लेते हैं कि इस पर चार्ज क्यू है और इस पर चार्ज कितना होगा -Q, तो ये एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे आपको बताना है। देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q·E, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो अगर मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, अगर मैं फोर्स देखूं सेकंड प्लेट पर फर्स्ट की वजह से, तो मुझे क्या लिखना होगा, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज में लूंगा तो इसका सेकंड प्लेट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लूंगा फर्स्ट प्लेट की। तो चार्ज क्यू है इंटू में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है कि एक मान लीजिए यहाँ पर मेटल सीट है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा σ/εo² एरिया, और यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/2 σ/εo है। ये कंडक्टिंग के लिए 1/2 आया है, नॉन कंडक्टिंग होती तो सिंपली σ/εo है वो होता। अब सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये चार्ज डेंसिटी हमने फर्स्ट वाले प्लेट की मानी, हालांकि दोनों एक जैसी हैं, तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ Q/ एरिया। एक्चुअली यहाँ पर एरिया नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2εo, तो वो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया। अब मैं सिग्मा को रिप्लेस करूंगा इस तरह से, 1/2 σ को आप लिख लीजिए चार्ज अपॉन में एरिया इंटू में εo, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 Q² / εo इंटू में एरिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास दो चार्ज गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ एक चार्ज क्यू है और यहाँ पर जो चार्ज है वो 3 μC, और एक बी पॉइंट पर चार्ज रखा है क्यू बी, उसकी वैल्यू -3 μC। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी रहती है बाहर की तरफ, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ट इनटू द चार्ज। फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R² आर मतलब सेपरेशन है चार्ज का लेकर के, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहां से वहां तक का सेपरेशन होता है आर। फिलहाल हमें क्या करना है कि इनके बीच में सेपरेशन हमें गिवन है 2 मीटर,
और आपको बताना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर कितनी होगी। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर कितनी होगी, मैं मान लेते पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब ये होगा ये पॉइंट अगर ए है तो ए से ओ तक की दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी और ओ से बी की भी डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी। फिलहाल अगर अब मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ओ पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी यानी कि इस तरफ होगी, तो ये तो होगी चार्ज ए की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज आएगी, तो हमें ओ पॉइंट से देखना होगा वो भी इनवर्ड होगी या इनटू द चार्ज होगी। तो देखो आप दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है इसका मतलब आंसर 0 तो होगा नहीं। और आप ये देखो एक में ऑप्शन 5.4, एक में 2.7, तो यहाँ पर जब आप एक की निकालो मतलब ये इसका एक तरह से डबल है, मतलब थोड़ा सा मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए ठीक होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, हालांकि आपको करके ही देखना है। अब सोल्व करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी निकलेगी, E1 + E2, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे ही देते हैं कि आप थोड़ा बिना सोल्व करे भी सोचो तो आंसर सही पहुंच पाओ। तो E1 + E2 है। अब E1 की वैल्यू कितनी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा पॉइंट ए चार्ज की, चलो इसको ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है KQ/R², के चार्ज कितना है, चलो मैं बाद में रखूंगा QA/ में सेपरेशन मैं लूंगा ए से लेकर के ओ तक का उसका स्क्वायर, प्लस KQB/ में सेपरेशन ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो चार्ज और के चार्ज की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो सेम है और के की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा मैं ऐड कर रहा हूँ ठीक है, तो क्योंकि मुझे डायरेक्शन के ऐड क्यों कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन से पता चला है कि डायरेक्शन इस तरफ है, तो मुझे नेगेटिव साइन ने ही बताया कि डायरेक्शन इसकी इस तरफ रहेगी, तो अब मैं यहाँ पर माइनस साइन नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2KQ/R² 2, के की वैल्यू होती है 1/4π ε₀, इंटू में चार्ज की वैल्यू दी है 3×10⁻¹ माइक्रो में चेंज कर लीजिए, माइक्रो को कोलाम में चेंज कर लीजिए, और डिस्टेंस को हम लेंगे 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1/4π ε₀ की वैल्यू होती है 9×10⁻¹ इंटू में 3×10⁻¹, और नीचे तो 1 ही रहेगा। अब देखो ये हो गया 2×3 6×9 54 इंटू 10⁻¹ कितनी बचेगी, 9 में से 6 जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3। अब इसको आप 5.4×10⁴ भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इस फिगर में फिगर को देख करके आपको एनालाइज करना है कि डायपोल किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो तो इसमें 3-4 कंसेप्ट लगेंगे, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आंसर पे आएंगे। पहला कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मान लेते कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है F=qE, ठीक है, ये ई एक्सटर्नल फील्ड है। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो उस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव हुआ तो यहाँ पर माइनस आएगा Q×E, तो अब जो फोर्स लगेगी ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर इन अपोजिट डायरेक्शन। फिलहाल अगर कोई डायपोल है और डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से कोई डायपोल है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अगर डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में है तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगी फोर्स क्यू इस तरफ, और इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस की क्यू ई। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं, तो चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आएगी ना वो आएगी 0। तो चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगेगी, 0, लेकिन हाँ उस पर टॉर्क लगेगा जो कि पी क्रॉस ई के इक्वल होगा। पी क्या होता है, पी होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब क्यू इंटू में 2A, ये भी ना वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्लोजर द फील्ड लाइन मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, दूर दूर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो रहेगी लेस, यहाँ पर लेस रहेगी और यहाँ पर
मोर रहेगी या हाई कह लो, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास में उसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। आप ये देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लगेगी, माइनस क्यू ई। और जो फोर्स लगेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स कर एक्सपीरियंस करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस के क्यू ई। और ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, चलो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम E2 मान लेते हैं, और यहाँ पर E1 जो है वो ज़्यादा है किससे, E2 से, बिकॉज यहाँ पर ये पास पास में और यहाँ पर दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू ई दूर। लेकिन क्योंकि ई वन ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर ये फोर्स एफ वन और ये फोर्स एफ टू, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एफ वन की वैल्यू ज़्यादा होगी एफ टू से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये जो चार्ज रखे हैं ये तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये जो इस तरफ होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब आप ये देखो कि ज़्यादा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, था डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये तो गलत है, डायपोल तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पी। देखो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, नेट फोर्स किसकी ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो एफ वन ज्यादा है मैग्नीट्यूड से, मतलब एफ टू के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो इसलिए जो नेट फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टू अपोजिट टू पी, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगी, क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड है एफ वन का, एफ टू का कम मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इधर ज्यादा फोर्स उस पर एक्सपीरियंस कर रही होगी। द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो गई, या तो पैरेलल होती है एंटी पैरेलल होगी, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल है क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि ई वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ई टू से, इसलिए एफ वन की फोर्स ज्यादा होगी एफ टू से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 7 एंड -4 माइक्रो कूलम, जिनकी लोकेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। अब ये क्या है, तो मान लो चार्ज क्यू वन है कोई और दूसरा चार्ज है क्यू टू, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन अगर आर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो तो आर स्क्वेयर पर डिपेंड करती है इन्वर्सली, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्वर्सली आर पर डिपेंड करेगी सेपरेशन पर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर उसका फॉर्मूला होगा। फिलहाल देखा जाए तो अगर मैं नेगेटिव एक्सिस को कंसिडर करूँ, तो एक चार्ज पार्टिकल -9 पर रखा हुआ है, लेकिन जो -9 पर रखा हुआ वो है 7 माइक्रोकूलम का, -9,0,0, और दूसरा चार्ज पार्टिकल 9,0,0, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है 9,0,0 पर, ये लेट ओरिजिन रहा होगा यहाँ पर कोई, ओ यहाँ पर चार्ज कौन सा है, -4 माइक्रो कूलम। अब यू निकालना है, तो यू का मतलब हो गया के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन कितना है 7, माइक्रो है तो उसको 10^-6 है मल्टीप्लाई कर दो कोलाम में लाने के लिए, क्यू टू कितना है -4, इसको भी 10^-6 से मल्टीप्लाई करो अपॉन में सेपरेशन। देखो सेपरेशन मैं लूंगा यहाँ से यहाँ तक का, और मैं मैग्नीट्यूड लूंगा क्योंकि मुझे आर लिखना है ना, आर मतलब क्या, सेपरेशन कितना है दोनों चार्ज के बीच में, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है 9 सेंटीमीटर, और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो वो -9 है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की नेट सेपरेशन कितना हो जाएगा, नेट सेपरेशन हो जाएगा 9+9 यानी कि 18 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो आपको लिखना होगा 1.00 यानी कि 0.18, ये मीटर में आ जाएगा, तो 0.18 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, ये बात तो श्योर है, और जब आप इस सबको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा -1.4 जूल, तो इसलिए ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो अगर कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर कोई भी चार्ज डिसाइड नहीं करता, इसलिए ई इनसाइड कितना रहेगा 0, और जब आप उससे बाहर की तरफ आओगे आउटसाइड पॉइंट पर आओगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है अगर सेपरेशन ज़्यादा है और आप आउटसाइड पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं ई वर्सेस आर में, तो देखो इसका रेडियस है आर, तो जब तक आप स्मॉल मतलब जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक नहीं आ जाते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये होगा जब जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो पर दिखाऊंगा। अब जैसे ही आप इसके सरफेस पर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम होने लगेगी, मतलब मैक्सिमम कहाँ मिलेगी आपको, सरफेस पर, कितनी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पर आर इक्वल टू आर हो जाएगा ना। तो अब उसके बाद वो डिक्रीज करेगी इस तरह से, क्योंकि वो इनवर्सली वन अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर देखो जीरो होगी अंदर, इसमें भी जीरो नहीं दिया हुआ है, इसमें भी जीरो नहीं दिया हुआ है, तो ले दे करके अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी अंदर जीरो है बिल्कुल, और बाहर जैसे ही आप आओगे तो डिक्रीज करने लगेगी, इनवर्सली वन अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, और मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पर। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इनसाइड पे जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम रहेगी, के क्यू अपॉन ये रेडियस है स्फेरिकल सेल का, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आर कोई डिस्टेंस है आउटसाइड पॉइंट पर, आर ये सरफेस पर आप निकाल रहे हैं जहाँ पर कैपिटल आर वैल्यू है रेडियस की। तो तीनों चीज से आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक लूप दी हुई है, इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी जो साइड है वो ए और बी, आपको बताना टॉर्क कितनी लगेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब कोई लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम मतलब क्या हो गया, एम होता है यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि करंट इंटू में एरिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होती थी ना, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होगी जो भी लूप है उसके आउटसाइड, मतलब नॉर्मल। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसके लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड का मतलब ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब कि एम की जो डायरेक्शन है, एम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, करंट इंटू में एरिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दी हुई है ऊपर जेड डायरेक्शन की तरफ, तो अगर मैं सब वैल्यू को पुट करूँ, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम, एम कितना, करंट इंटू में एरिया। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, यहाँ पर ए इंटू बी हम कंसिडर करेंगे, साइड दी हुई है तो ए इंटू बी, और डायरेक्शन क्या, आई कैप, इसका क्रॉस करेंगे बी के साथ, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस में, यानी कि के कैप। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा आई इंटू में ए इंटू में बी इंटू में कैपिटल बी, और आई क्रॉस के क्या होता है, देखो आई जे के, अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो आपको मिलता है के कैप, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप मिलेगा, लेकिन जब आप उल्टा जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो आई क्रॉस के करने पर आपको मिलेगा माइनस के जे कैप, आई क्रॉस के करने पर मिलेगा माइनस के जे कैप। वैसे तो सिर्फ आप आई क्रॉस के करके ही अपना सही आंसर चूज कर सकते थे, क्योंकि माइनस जे कैप सिर्फ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, पर फिर भी मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एंगल जो होगा आई क्रॉस के है ना, नाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो वो आ जाएगा माइनस के जे कैप। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास है एम, और वो वी वेलोसिटी 160 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में 60 डिग्री से एंटर कर रहा है, तो आपको बताना है कि पिच कितनी होगी। तो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम आंसर कर पाएंगे इजिली। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि लेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर एंटर कर रहा है। अब होगा क्या कि इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक तो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे पैरेलल, वी पैरेलल, और उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं ना जिसके एंगल बनाते हैं जिसके साथ, वो कॉस थीटा हो जाता है, और दूसरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, वी परपेंडिकुलर, जो कि होगी वी साइन थीटा। तो होता क्या है कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता है, मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर चार्ज पार्टिकल नॉर्मली 90 डिग्री पर एंटर करे तो वो सर्कुलर पाथ कवर करता है, यानी कि यहाँ पर जो वी परपेंडिकुलर होगा ना वो तो सर्कुलर पाथ इसको कवर करवाएगा, लेकिन जो वी पैरेलल होगा इसकी वजह से, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा हम देख रहे हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तब तो फोर्स लगेगी क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स होगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है
सॉरी, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो फोर्स कितना आ जाए, साइन 0 की वैल्यू 0 तो फोर्स भी कितनी लगेगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है उसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल पर सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और जो पैरेलल वेलोसिटी है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी और वो कांस्टेंट रूप से कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट पाथ होता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हमें ये सर्कल किसकी वजह से कर रहा है, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से, और ये कुछ आगे भी तो गए ना यहाँ पर, मतलब जैसे आपने देखा होगा रजिस्टर में स्प्रिंग्स लगी रहती हैं, हेलिकल टाइप स्प्रिंग, स्पायरल स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें यही तो होता है, गोल भी होती है वो आगे की तरफ भी रहती है। तो यहाँ से एक सर्कल के मतलब दो कंसेक्यूटिव सर्कल के बीच में जो आप डिस्टेंस देख रहे हो इसी को हम पिच बोलते हैं, वही हमें फाइंड करना है। अभी जो पिच यानी कि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ये इस वाली वेलोसिटी के वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखो जब स्पीड कांस्टेंट होता है तब हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो जो पिच एक तरह का डिस्टेंस है और यहाँ पर मैं लूंगा स्पीड इनटू में टाइम। अभी स्पीड कौन सी लेंगे हम, जिसकी वजह से पिच कवर हो रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल आगे जा रहा है, वैसे तो वो सर्कुलर जा रहा है किसकी वजह से, परपेंडिकुलर वाली वजह वेलोसिटी की वजह से, लेकिन वो आगे जा रहा है वी पैरेलल की वजह से। तो यहाँ पर मैं स्पीड ले लूंगा वी पैरेलल इंटू में टाइम टी। वी पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पर मतलब वैल्यू है वी कॉस थीटा, और देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई m/q b, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, पिच आ गया, अब सब वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, पिच हमें निकालना है। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू अपने पास 160 cos 60° 2 पाई m/q b, 160 cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है जो कि 1/2 होगी, ये आ जाएगा 2 पाई m/q b, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 160 पाई m/q b। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप पिच फाइंड कर सकते हैं, और जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर आर बराबर होगा m/q b। तो जब आप आर निकालोगे तो रेडियस वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से उसने सर्कुलर पाथ कवर किया है, तो उस टाइम आप वी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेंगे v sin θ/q b, तो आर इक्वल टू आ जाएगा m v sin θ/q b। हालांकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है इस पर कि कौन सी वेलोसिटी होगी, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन चार्ज ई गिवन है और मास है एम जो कि रिवॉल्व कर रहा है, जिसका एंगुलर मोमेंटम है एल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है न्यू। तो आपको बताना है जैसे न्यू इक्वल टू होता है -e/2m इंटू में एंगुलर मोमेंटम एल, तो e/2m क्या कहलाता है, e/2m क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो देखो अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है लेट इलेक्ट्रॉन और ये किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा mvr, एल इक्वल टू एम वी आर, ये मैक्सिमम होगा। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, जनरली तो आर क्रॉस पी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे rp sin θ या फिर आर इक्वल टू mv sin θ। तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए हम सिंपली एल इक्वल टू एम वी आर ले लेते हैं। तो इतना एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का रहेगा एल इक्वल टू एम वी आर। इसके अलावा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू में एरिया, तो म्यू इक्वल टू करंट को आप लिख सकते हैं q/T इंटू में एरिया मतलब पाई आर का स्क्वायर। और देखो टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 2 पाई r/s v हो जाएगा। ये 2 पाई r क्या लिया मैंने, सरकमफ्रेंस, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r यानी कि सरकमफ्रेंस अपॉन में स्पीड मतलब v इंटू में पाई आर का स्क्वायर। आप r से r कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा q, और पाई से पाई भी जाएगा तो q आ गया यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और आ गया r इंटू में v, एक r बचा है ना, एक r से r कैंसिल होकर के v बच गया, ऊपर आ गया, तो म्यू इक्वल टू आ गया q/। अब देखो q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको लिखूँ -ke/2। और आर वी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, आर वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर वी की वैल्यू आएगी l/m। तो अगर मैं आर वी की वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगा l/m। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया ना, म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, -e/2m (l)। ठीक है, यहाँ पर मैं दो तीन चीज़, एक तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया म्यू इक्वल टू -e/2m (l),
एक म्यू अपॉन में एल इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा माइनस के ई अपॉन में 2m। तो आपको ये बताना है कि ये होता क्या है, तो इसको हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सोलेनोइड जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स है, करंट है 5 एम्पियर, आपको बता रहे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू में आई। अब स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 500 अपॉन में स्मॉल एल, यानी कि लेंथ कितनी है 0.5। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ कि स्मॉल एन निकालूँ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में आई, बात एक ही पड़ेगी, कैसे भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप नीचे एल लिख रहे हो तो आपको ऊपर कैपिटल एन लिखना पड़ेगा, कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब वैल्यू सब पुट कर लेते हैं, म्यू नोट के वैल्यू होते हैं 4π × 10⁻⁷, कैपिटल एन 500, लेंथ 0.5, इंटू में करंट की वैल्यू है 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 6.28 इंटू में 10⁻³ टेस्ला, तो हमारा आंसर सही होगा बी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।